मध्य प्रदेश के मुंगावली में संबल योजना को लेकर नगर परिषद कर्मचारी की मिली भगत सामने आई है। इस मिली भगत से अपात हितग्राहियों के परिजनों को लाखों रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए खबर मिल रही है। बता दें कि नगर परिषद कर्मचारी द्वारा संबल योजना में गलत दस्तावेजों के आधार पर 3 अपात हितग्राहियों को पात्र बताकर 2-2 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। इन तीनों मामलों के सामने आने के बाद नगर परिषद CMO ने इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी अभिषेक राजपूत, लाभार्थी रमेश सेन को 15 दिनों के अंदर राशि जमा कराने का नोटिस जारी किया है। इस मामले में जब नगर परिषद CMO से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हितग्राही थे उन्होंने तथ्यों को छुपाकर गलत दस्तावेजों को प्रस्तुत किए थे। वहीं इस संबंध में अभिषेक द्वारा सुक्षमता से जो जांच की जानी थी वो ना होने से ये लाभ प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अभिषेक राजपूत और जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है उन्हें वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से सीमाओं ने लाभार्थी द्वारा गलत दस्तावेजों को जमा करने की बात कही है, इससे तो साबित यही होता है कि इस मामले में दोषी कर्मचारी को बचाया जा रहा है, क्योंकि एक कर्मचारी इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी अपनी कुर्सी पर जमा हुआ है। जबकि अगर देखा जाए तो बगैर नगर परिषद की कर्मचारी को मिली भगत के बगैर किसी को भी इस प्रकार का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। फिलहाल अब ये जांच का मामला है, अब देखना होगा कि क्या नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस दोषी कर्मचारी पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर इस धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई सिर्फ लाभार्थियों के ऊपर की हो जाएगी। देखो, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो हितग्राही थे उन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर, मतलब जो तथ्यों को छुपा कर इसका आवेदन किया था, और उसके ऊपर जो अभिषेक द्वारा जांच की गई, जो पूर्णतः सूक्ष्म जांच होना थी, वो न होने से ये अनुचित लाभ प्राप्त हुआ। इसके संबंध में अभिषेक राजपूत और संबंधित हितग्राहियों के जो जिन्होंने लाभ प्राप्त किया उनको नोटिस जारी किए गए और वसूली हेतु।